हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सत्यम पाठक एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सत्यम पाठक जेएसआर। सो टुडेस टॉपिक इज एम्फेसाइजिंग एक्सप्रेशन। हाउ कैन वी एम्फेसाइज समथिंग? ओके, जब भी हम कोई भी बात करते हैं किसी से और हम चाहते हैं किसी बातों पर जोर देना जब चाहते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू से सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियोस मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे इस वीडियो में सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार के होंगे। जैसे कोई आपसे पूछता है, क्या तुम पढ़ते हो? तो आप क्या कहेंगे? हाँ मैं पढ़ता हूँ। लेकिन आप पे कोई क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब इस तरह से पूछ रहा है, क्या तुम पढ़ते हो? तो आप क्या कहेंगे? मैं पढ़ता तो हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, मतलब हमें उस सेंटेंसेस पे जोर देना है, उसको एम्फेसाइज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस हुआ, क्या बना? मैं पढ़ता हूँ। अभी देखिए, हम दूसरा सेंटेंसेस कहते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, तो इसको कैसे कहेंगे? पहला वाला सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ, नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्टडी। लेकिन अभी हमको दूसरा सेंटेंस जो है उस पर क्या करना है, उसको एम्फेसाइज करना है, हमें उसको उसके ऊपर जोर देना है, मैं पढ़ता तो हूँ। तो इसको हम डू और डज के सहायता से इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम डू और डज के प्रयोग से बनाते हैं। देखिए कैसे, मैं आपसे कहता हूं मैं पढ़ता तो हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई डू स्टडी। उसी तरह से दूसरा ले लेते हैं, आप बोलते तो हो। ठीक है, आप बोलते तो हो, जोर दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? यू डू स्पीक। प्रवीण नाचती तो है, तो क्या बनेगा? प्रवीण डज डांस। ठीक है, क्योंकि प्रवीण क्या थर्ड पर्सन है तो डज लग जाता है, ये चीज आप जानते हो, तो प्रवीण डज डांस। इस तरह से सेंटेंसेस बनता है। और मैं आपसे सेंटेंसेस देखिए, जैसे मैं आपको और कहता हूँ सलमान गाड़ी चलाता तो है, सलमान डज ड्राइव द कार। ठीक है, तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। प्रिया उड़ती तो है, प्रिया डज फ्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आप एम्फेसाइजिंग वाले सेंटेंसेस को इजिली फ्रेम कर सकते हो, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम और दूसरा तरह के सेंटेंसेस को, दूसरे टाइप्स के सेंटेंसेस को देखते हैं। दूसरा टाइप्स का सेंटेंसेस क्या है, देखिए, मैं गया तो था, पहला था प्रेजेंट में, अभी है पास्ट में, मैं गया तो था। अभी हम क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस सेंटेंस पे, तो हम क्या कहेंगे? आई डिड गो। तुम आए तो थे, यू डिड कम। मैं नाचा तो था, आई डिड डांस। ठीक है, प्रिया बुलाई तो थी, प्रिया डिड कॉल। तो डिड का यूज करके हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। तुमने गाना गाया तो था, यू डिड सिंग द सॉन्ग। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं। थैंक यू।